मैं बताना चाहता हूं आपको इफेक्ट्स ऑफ मैजिक। तो ये क्या है, जादू के असरात। जादू के असरात क्या हैं? तो विल गो थ्रू दिस लिस्ट। अच्छा, ये वैसे मेरा आमतौर पे मेरा स्टाइल बुलेट्स का नहीं है। जो लोग मेरे लेक्चर्स देखते हैं, मैं बुलेट्स यूज नहीं करता। आज इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर आप में से कोई नोट करना चाहता है नोट कर ले, किसी ने तस्वीर खींचनी है तस्वीर खींच ले, क्योंकि ये मैं एक ही स्लाइड पर सारे बुलेट्स डाल रहा हूं। नंबर वन, इफेक्ट्स ऑफ मैजिक में क्या है, टू कॉज सेपरेशन। जादू के असरात बता रहा हूं। एक असर क्या है, हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन या इवन फैमिली मेंबर्स के बीच में सेपरेशन कॉज करना। टू सप्रेस अ मैन डिजायर फॉर हिज वाइफ और वाइस वर्सा। हस्बैंड अपनी वाइफ में कोई अट्रैक्शन नहीं देखता, ना वाइफ हस्बैंड में देखती है, बल्कि इसके असरात में यह भी होता है कि आपको अपनी वाइफ बहुत अगली नजर आना शुरू हो जाती है या उससे बदबू आना शुरू हो जाती है। और मेरे पास ऐसी स्टोरीज हैं जहां पर खातून ने मुझे कहा कि मुझे अपने हस्बैंड से ऐसी स्मेल आती है जैसे किसी मरे हुए जानवर से आती है, हालांकि उसका हस्बैंड अभी शावर लेके आया है, परफ्यूम लगा के आया है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वाह इतना अच्छा परफ्यूम, क्या है क्या है, और वो कह रही मुझे जो है ना मरे हुए जानवर की स्मेल आ रही है। सो ये जादू के असरात में से एक चीज है। तीसरी चीज क्या है, मिसकैरेज और फर्टिलिटी इश्यूज। मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रही हैं और क्या हो रहा है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, हस्बैंड इज नॉट एबल टू हैव किड्स और समथिंग लाइक दिस। ये भी जादू का एक असर है। फिर एक है कॉन्स्टेंट ब्लीडिंग ऑफ अ वुमन और द ऑपोजिट, वेयर इन देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर नो अपेरेंट रीजन। समझ नहीं आ रहा, कॉज समझ नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें की सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल हालात में किसी वजह से कुछ हुआ हो उसका सबब समझ में आ रहा है। जादू होता ही वो है कि सबब भी समझ नहीं आ रहा क्या है, देयर इज नो कॉज फॉर दैट बट इट्स हैपनिंग, तभी तो वो जादू है ना, वरना जादू क्या है। अगर मैं इस चीज को आपके सामने उठा के यहां से यहां कर देता हूं तो ये तो कोई कमाल नहीं है, बिकॉज आपको सबब नजर आ गया कि मैंने उठा के रखा है। लेकिन अगर ये मेरे हाथ से खुद ब खुद उठ के यहां से यहां हो जाए, अब आप कहेंगे ये जादू हुआ है। सो दीज आर थिंग्स विच आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय साइंस और एनीथिंग लाइक दैट। कॉजिंग अ मैन टू लव अ पर्टिकुलर वुमन और वाइस वर्सा, ये मोहब्बत वाला वो जो कहते हैं ना महबूब आपके कदमों में, ये भी जादू है और ये वाकई हो जाता है अच्छे भले लोगों पे जादू करवा के। एक खातून ने अपने हस्बैंड पे ही करवा दिया क्योंकि उनको था कि मेरा हस्बैंड मुझे सही तरह से प्यार नहीं करता, टाइम नहीं देता, बिजनेस में बहुत टाइम गुजारता है। उसने चार दफा उन पर ये जादू कराया 6 महीने के अंदर। चौथी दफा जब करवाया ही डाइड बिकॉज वो सह नहीं पाया, मर गया वो बेचारा। 6 महीने अच्छे गुजर गए, 6 महीने अच्छे गुजरे, हस्बैंड उसके साथ अट्रैक्शन शो कर रहा था, लेकिन एक हफ्ता शो करता फिर वीक होता। बाबा जी ने कहा नहीं दोबारा करवाओ, क्योंकि उसका तो बिजनेस चल रहा ना, पैसे आ रहे हैं। ही डाइड 6 मंथ में, मर गया बेचारा। अच्छा, उसके बाद जी टू टॉर्मेंट अ पर्सन विद इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट, टाइटनेस इन द चेस्ट, सैडनेस एंड डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ पेन एंड पेन इन द बॉडी, और खासतौर पर ट्रैवलिंग पेन्स, कभी यहां पेन है कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, कुछ समझ नहीं आ रहा कॉज क्या है उसका, लेकिन पेन ट्रैवल कर रही है बॉडी में। और सबसे बड़ी चीज है कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो इंसान ज्यादा उससे एग्रीवेट हो जाता है, ज्यादा एग्रीवेट हो रहा है। वैसे उसको गाने सुनाते रहो कुछ नहीं होगा, उसको कुरान पढ़ना शुरू करो पागल होना शुरू हो जाता है, बिकॉज शैतान जो है ना ही कैंट टेक इट एनी मोर। आप सलम की हदीस, आपने फरमाया शैतान ट्रैवल्स इन यू लाइक ब्लड, शैतान तुम्हारे अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून तुम्हारे अंदर दौड़ता है। और उन्होंने कहा शैतान तुम्हारे दिल पे बैठता है, ही सिट्स ऑन योर हार्ट, उसकी कोशिश है कि तुम्हारे दिल पे असर कर जाए। नंबर 7, यूजिंग मैजिक फॉर मर्डर, सेटिंग द हाउस ऑन फायर। मेरी एक स्टूडेंट थी इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि उनके घर में ना कहती थी पर्दों को आग लग जाती है। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है, तो उनका केस असल में वो मैजिक का, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैजिक ही है उनके घर के अंदर, जो जिस तरह के वाकयात हो रहे थे सुपर नेचुरल फिनोमेना। तो फिर जब उन्होंने कहा ना कि जी घर में अब पर्दों को आग लग रही है और बड़ी मुश्किलों से हमने बुझाया वरना पूरा घर जल जाता, 2-3 दफा आग लगी है। तो फिर उनको मैंने कुछ बताया, कुछ जिक्र अज़कार, सूरतुल बकरा खास तौर पर पढ़ना, क्योंकि जिस घर में सूरतुल बकरा पड़ी जाती है रेगुलरली उधर से शयातीन भाग जाते हैं। तो इसका इलाज बहुत ईजी है, कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं है। नंबर 8 पे है कि थेफ्ट ऑफ वैल्यूबल्स, चीजों का गायब हो जाना, पैसे गायब हो रहे हैं, ज्वेलरी गायब हो रही है, फाइलें डॉक्यूमेंट्स गायब हो रहे हैं, इस किस्म की भी कई वाकयात हैं जो मैंने पर्सनली डील किए हैं। उसके अलावा अफेक्टिंग बिजनेस और ट्रेड, बिजनेस में लॉस हो रहा है अनप्रेसिडेंटेड। एक होता है ना कि देखें कोई भी चीज़ जो सबब में समझ में आ रही है ना कि जी वाकई में समझ आ रहा है कि आजकल मार्केट डाउन है, पेट्रोल ऊपर गया हुआ है, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये वो समझ में आ रहा है, लेकिन एक है सब असबाब सही है लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है, कस्टमर गायब हो गया है, जस्ट गॉन, बाकी सब पे आमद आमद है और यहाँ पे सारे जो है वो खत्म, अजीब सी सिचुएशन। तो ये भी लॉस ऑफ बिजनेस भी होता है। और अनएक्सप्लेनेबल इलनेसेस एंड सिकनेसेस,
अनएक्सप्लेन्ड, डॉक्टरों के पास चले गए, सारे टेस्ट करा लिए, ये स्कैन वो स्कैन वो MRI ब्ला 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 सब कुछ करा लिया, डॉक्टर कह रहे हैं क्लियर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैक्सिमम डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेस होगा, इसको स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस भी नहीं है बेचारे को, फिर क्या है ये एम्स।